शर्मनाक अपनी बदसूरती पर करा रहे ग्रामीण इलाकों की सड़कें। हरदोई जिले की ग्रामीण इलाकों की सड़कें आज भी अपनी बदसूरती पर करा रही हैं। कई सड़कों में गड्ढे हैं तो कहीं जलभराव की समस्या लोगों के सामने बनी हुई है। बताते चलें कि ब्लॉक अहिरोरी की ग्राम गोवर्धन के मजरा ग्राम लालपुर को जाने वाला रास्ता अपने सूरज संवारने को तरस रहा है। इस मार्ग पर जलभराव की समस्या अरसे पुरानी बताई जा रही है। बेचारे राहगीर व स्थानीय बसिंदे किस तरह का सफर करते होंगे, इसका अंदाजा इस तस्वीर से ही लगाया जा सकता है। ग्रामीण नीरज दिवाकर, मुकेश कुमार, संतु गौतम, रमेश सिंह, सुरेंद्र गुप्ता, गुड्डू गुप्ता, वीरेंद्र कुमार, भारत लाल आदि लोगों का कहना है कि उक्त मार्ग पीडब्ल्यूडी के कार्य मार्ग हरदोई सीतापुर मुख्य मार्ग से होकर लालपुर, सदिका मऊ, अल्दाहा, दादपुर, गोवर्धनपुर समेत कई गांवों को जाता है। जलभराव की समस्या से लोग बेहद परेशानी झेल रहे हैं। कई बार शिकायतों के बावजूद जिम्मेदार गंभीर समस्या पर पर्दा डाल रहे हैं। भाकियो अराजनैतिक के युवा जिलाध्यक्ष पुनीत मिश्रा का कहना है कि इस समस्या से जल्द निजात नहीं मिली तो वह प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। क्या नाम है तुम्हारा? गांव कौन सा है? लालपुर। क्या समस्या है दिनेश? समस्या हमारे यहाँ ये है, 2 साल हो गया चाला है और यहाँ औरतों को लेटरिन वेटरिन जाने में बहुत दिक्कत होती है। बच्चे हैं छोटे छोटे यहाँ पे, इनको भी जाने में बड़ी दिक्कत होती है। रात हो जाती है, बहुत से बूढ़े बुजुर्ग जिनको दिखाई नहीं देता यहाँ, उनको तो यहाँ कीचड़ में लेटरिन पड़ी हो कुछ भी हो उसमें निकल जाते हैं वो लोग। और इसके लिए जिला पंचायत सदस्य हैं अनूप वर्मा, उनको भी दिखाया गया और उन्होंने इस बात को नासुनी कर दी। भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक युवा संगठन जिला अध्यक्ष पुनीत मिश्रा आज विकास खंड अहिरोरी के ग्राम पंचायत गोवर्धनपुर का जो मजरा है लालपुर, आज वहां पर बैठना हुआ लोगों के साथ में। वहाँ हमारे बहुत किसान भाई हैं और बड़े परेशान किसान भाई हैं। वहाँ कुछ हमारे सदस्यगण भी हैं संगठन के, उनके यहाँ जलभराव की समस्या थी। उस जलभराव की समस्या पर विचार विमर्श किया गया है, वहाँ बैठक की गई है किसान भाइयों के साथ में। ये लालपुर के मेन सड़क मार्ग पर जलभराव की समस्या है और इस समस्या को लेकर कल हम दोबारा पुनः वहाँ पर बैठक करेंगे लालपुर में, और इस समस्या को लेकर हम जिलाधिकारी से बात करेंगे, उनके पास हम जाएंगे किसान भाइयों के साथ में और उनसे आग्रह करेंगे कि वो पीडब्ल्यूडी या जिम्मेदार अधिकारियों या विभाग को इसके बारे में बताएं और वो विभाग संज्ञान ले, यहाँ के जलभराव की समस्या से ग्रामवासी किसान भाइयों को निजात मिल सके। और अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं किसी दूसरे प्रकार की तैयारी किसान भाइयों के साथ में करूँगा ताकि उनकी समस्या का निस्तारण जल्दी से जल्दी किया जा सके। चाचा आपका? रमेश सिंह। गांव कौन सा है? लालपुर। और विकास खंड? अहिरोरी। क्या समस्याएं हैं? समस्या यह है जल भराव है बीच डामर पर, इसके लिए तो यातायात बाधित है कि हम लोग खेत नहीं जाते हैं, हम अपने निजी खेत देखे नहीं जाते तो नरक भरो है, पर है। कोई साइड रहे रास्ता नहीं है, अगर हम जाए तो किधर से जाए। कभी अधिकारी जिम्मेदारों से मांग नहीं की? मांग की जा रहे लेकिन कोई सुनते नहीं, कोई सुनता नहीं, कोई सुनते नहीं। बात कहें कहते मांगो मांगो मांगे डाले जाते, कोई ना आवे ना कोई सुना है बात को। आपका? चटकन। गांव कौन सा है? लालपुर। ब्लॉक कौन सा है? महरोरी। जिला? हरदोई। ये क्या समस्या है? ये समस्या चहला भी है। हाँ, हाँ। चहला है? हाँ। फिर इसकी इसका निवारण किया जाए। निवारण किससे, किस किसी से कहा भी था किसी जिम्मेदार से? प्रधान से कहो को? हाँ। हाँ। कौन है प्रधान? प्रधान कौन से गांव में रहते हैं? गोवर्धनपुर। क्या कहा उनसे? उनसे कहा गया भाई आप लोग निकलते हैं जाते हैं ये सहला नहीं किसी को दिखाई पड़ता है। क्या कहा? बोले ही नहीं। सियासी गलियारों से लेकर खेल के मैदान तक एंटरटेनमेंट के तड़के से लेकर कारोबार के उतार चढ़ाव तक, मंदिरों में बजती घंटियों से लेकर दरगाह की नमाज तक, जुर्म के दलदल के हर झूठ का करेंगे पर्दाफाश। यहां हर खबरें उगलेंगी, हर कातिल के राज, खबरें नहीं
खबरों का सटीक विश्लेषण। जो कि आप देख रहे हैं अखंड न्यूज 24।